केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नानी मिश्रा। मुखिया चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के अब आखिरी जोर पर उतर आए हैं सारे प्रत्याशी, और इसी क्रम में हमारी टीम भी लगातार इस कोशिश में है कि आप तक पल पल की खबर पहुंचा सके, आप तक ये पहुंचा सके कि इस बार मुखिया चुनाव किस तरीके से हो रहा है और जनता का मूड इस बार कैसा है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची परवा पंचायत, और परवा पंचायत में बात की वहां के मुखिया प्रत्याशी जीवक मंडल से। क्या कुछ बात हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व में मुखिया रहे हैं आप जी, विगत 5 वर्ष जब मुखिया के कार्यकाल में आपके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण काम मेरे यहाँ सर्वप्रथम 50 जो वृद्धा पेंशन था उसको हम 500 पर लाए और सबको अपने हाथ से पैसा दिए, जिसमें कोई किसी तरह का। कितना पेंशन करवाए होंगे उसमें? 500। 500 आवास, इंदिरा आवास हम लोग के अंडर का नहीं था। आपके पंचायत में बना होगा कितना? पंचायत में कम से कम 200-300 बना। 200-300 पेंशन? पेंशन तो बताए 500। इसके अलावा बात करें राशन कार्ड, राशन कार्ड मेरे यहाँ उस बार उस समय में स्टार्ट ही हुआ। और पूरा हम अपने हाथ से बांटे। सड़क, सड़क में पड़वा गांव में एक सोलिंग करवाए थे जो करीब 1000 फीट था, और 1000 फीट का हम ईंट सोलिंग अरे ढलिया करवाए थे। 4 इंदिरा आवास बनाए, 4 पुलिया बनाए, जो पुलिया एक पड़वा में था, एक पड़वा वाला स्कूल पर था, एक पड़वे में पड़ता है संत नगर टोला वहाँ बना था, एक बिष्णुपुर गांव में बना था। बिष्णुपुर गांव में एक सड़क बनी थी जो मिनिमम 1000 फीट का। उसके बाद नवटोल गांव है, वहाँ पर एक ईट सोलिंग का ढलैया करवाए थे हरिजन टोला में। एक बीच गांव में था, उस बीच गांव में ढलैया करवाए। इतने काम करने के बावजूद जनता ने क्यों नकार दिया? जनता को नकारने का, हम लोग सत्ता में बैठे थे, लोगों को अच्छा नहीं लगा, जो हमको और काम होना चाहिए नहीं करवाए थे उतना, इसलिए इस बार फिर चुनाव लड़ रहा जी। जनता वोट पिछले कामों को देखकर देगी या कुछ परिवर्तन किया आपने वोट लेने का तरीका? हमको पिछले वोट को देख के तो करवे करेगा। अच्छा, और हम इस परिस्थिति में अभी अभी करीब 2-4 महीना पहले भी हम कम से कम 700-800 राशन कार्ड जो बंटवारा हुआ है जिसका छूटा हुआ था वो भी बनवाए, इसीलिए जनता वोट करेगी। जनता वोट इस बार चुनाव जीतेंगे क्या क्या काम करेंगे? गांव का चहुमुखी विकास होगा। चलिए ये तो होगा, काम क्या क्या होगा? काम कोई सड़क नहीं बचेगी, कोई सड़क नहीं, कोई सड़क एवं नाला बनवाए। नाला बनाने के लिए हम उतना नहीं तैयार हैं, इसलिए कि नाला का काम नहीं हो रहा। चलिए सड़क बनवाए, सड़क बनेगा पूर्ण रूप से। दूसरा, जो इंदिरा आवास आया होगा लिस्ट में उसका संपूर्ण निष्पादन। कितना पैसा लेकर? 1 पैसा नहीं लेकर। फिर ब्लॉक में कैसे देंगे? ब्लॉक में हमको देना नहीं है इंदिरा आवास, तो इंदिरा आवास पास ही नहीं होगा। पास तो होना ही है, कहे कि जब लिस्ट में है तो उसको तो पास करना ही करना है, नहीं कैसे करेंगे हम, लड़के करेंगे। दो काम हुआ, तीसरा? तीसरा जितना भी कार्ड बचा होगा राशन कार्ड में हम एक को भी नहीं छोड़े। चलिए चौथा, चौथा वृद्धा पेंशन में जो हमारा ब्रेक किया हुआ है वहां के बाद नहीं बना उसको ठीक करें, तो हम निश्चित रूप से सबको ठीक करें। पंचायत में विद्यालय होते हैं जहां पढ़ाई कम, क्या कहते हैं, भोजन में घोटाला, MDMA ज्यादा होता है, स्कूल को कैसे ठीक करेंगे? स्कूल में शिक्षक तो हम जब हम पंचायत समय स्कूल का हम अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अध्यक्ष के टाइम में मेरे समय में कोई भी आदमी
लचर पचर व्यवस्था नहीं था। तो शिक्षा में सुधार करें। शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार। आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं? जी हाँ। डॉक्टर? डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है। अच्छा, तो उसके लिए प्रयास रहेगा? प्रयास तो रहेगा। जनता की समस्या को कैसे सुनेंगे? जनता की समस्या को तो हम घर पर नहीं सुनेंगे, पंचायत भवन है, सबको खुला रखेंगे और रखते थे। हमको यहाँ कुछ नहीं। कोई जातिगत राजनीति होगा कि कोई राजनीति को लेके ज्यादा जो वोट देगा उसके लिए काम होगा? जी नहीं, हमारे यहाँ पहले भी नहीं हुआ है, इस बार तो और नहीं होगा। उस बार भी हमको जो वोट दिया था वो, जो नहीं दिया था वो संपूर्ण रूप से पूरे पंचायत को एक दृष्टि से। घर, पेंशन, राशन कार्ड बनवाने में कुछ लेन देन? एक नया पैसा कुछ नहीं होगा? नहीं, एकदम नहीं। अगर वार्ड लेता है तो? नहीं लेने देंगे। नहीं लेने देंगे। इस पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? अपील करते हैं, अगर मेरा काम आप लोग को पसंद आया होगा तो वोट दीजिए। हम लायक हैं तो वोट दीजिए, नहीं लायक हैं तो हम वोट नहीं चाहेंगे। वोट नहीं चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीवच मंडल। पंचायत? ग्राम पंचायत परवान। वर्तमान मुखिया ने काम किया है? देखिए सर, पहले जीवच बाबू थे मुखिया में, काम जो नया आधार था। इस पाँच साल का बताइए, पाँच साल में कम नहीं के बनेगा जीवच बाबू? जीवच बाबू काम पाँच साल में हुआ है? कुछ कुछ नहीं। इस बार के बनेगा मुखिया? क्यों देंगे इनको वोट? एकदम काहे देंगे, वैसे काम करेगा। काम करेगा बढ़िया। आप किनके साथ हैं? काम करेंगे? करेंगे। आप? हम जी बस करेंगे काम जी। एकदम क्या नंबर वार्ड में थे? पाँच। क्या नाम है? मोहम्मद अली। आपका नाम? बुटल मोहम्मद हमीद।